हेलो गाइस, कल मैंने एक वीडियो बना था कॉमेट न्योविस के ऊपर और किसी ने कमेंट किया था कि यह न्यूज़ बिल्कुल फेक है। तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो वापस से बना रहा हूं और उनको मैं इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूं ये न्यूज़ फेक है या फिर रियल है। हम गूगल पर सर्च करके इसे देख लेते हैं और सारा डिटेल जो आने वाला है वो आप अगर आप गूगल के सर्च बार में यहाँ पर कॉमेट न्योविस लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पर ये रिजल्ट आएगा। देखिए, देख सकते हैं कि यहाँ पर ये विकिपीडिया का यह रिजल्ट है या फिर गूगल का रिजल्ट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, यहाँ पर कोई भी झूठ नहीं बताता। आपको ये रिपोर्ट देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यह इसका परिक्रमा काल 6766 साल है और इसकी खोज 27 मार्च 2020 में की गई थी। और ये यहाँ पर जो भी है इसका सारा कुछ आप डेटा देख सकते हैं और इसके ऊपर बड़े बड़े वीडियो और बड़े बड़े लेख भी आप देख सकते हो और इसका कितना ज़्यादा सर्च किया जा रहा है ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये बिल्कुल भी फेक न्यूज़ नहीं है, देख सकते हो यहाँ पर ये कितना रियल यहाँ पर सारा रिपोर्ट दिखाया जा रहा है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर आप YouTube में आपको सर्च करके भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देख ले कि अगर आप YouTube में सर्च करोगे तो यहाँ पर 3 से 4 दिन के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कितना हज़ारों वीडियो बन चुके हैं कॉमेट न्योविस के ऊपर। और यहाँ पर इंडिया में नहीं और बल्कि आउट ऑफ इंडिया में भी यहाँ पर ढेर सारे वीडियो आप देख सकते हैं कॉमेट न्योविस के ऊपर। हज़ारों वीडियो बन चुके हैं कॉमेट न्योविस के ऊपर, ये बिल्कुल भी फेक न्यूज़ नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये बिल्कुल भी फेक न्यूज़ नहीं है। 23 जुलाई को ये कॉमेट हमारी धरती की 1.3 मिलियन किलोमीटर दूर से गुजरने वाला है और उसका ऑर्बिट पीरियड है 6766 साल, यानी 6766 साल में एक बार हमारी धरती के करीब से गुजरता है। तो ये बिल्कुल भी फेक न्यूज़ है नहीं है, इसे आप बिल्कुल भी फेक न्यूज़ ना समझें। और हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल भी फेक न्यूज़ नहीं बताई जाती है, यहाँ पर सारी की सारी रियल जो खबर होगी वही हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, आप भी एक स्पेस लवर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें और साथ ही जाते जाते हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर